ग्लोबल मंथन न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़े से किसानों की उम्मीदों पर पड़ा पाला। पाला पड़े से सरसों की फसल चौपट, चने की फसल को नुकसान, किसानों ने चलाए खेतों में हल। जोधपुर कचहरी परिसर में SBI बैंक की दीवार के पास लगाई गई वकीलों की टेबल को निगम और बैंक प्रशासन द्वारा हटाया गया, जिससे वकीलों में भारी रोष व्याप्त है। वकीलों ने भी इस कार्रवाई को लेकर बैंक पर भी ताला लगा दिया और जब तक बैंक और निगम प्रशासन द्वारा उठाई गई टेबल को वापस नहीं रखा गया तो तब तक उन्होंने बैंक के आगे धरना देने का ऐलान किया। सभी चुनाव में खड़े प्रत्याशी पहुंचे धरने पर। न्यायालय परिसर में पिछले काफी समय से अधिवक्ता इस परिसर में बैठे हैं। माननीय DJ कोर्ट के बाहर जब बैठे थे तो DJ साहब ने हमें इस बैंक की दीवार के सारे बैठने के लिए वकीलों को परमिशन दी कि यहाँ पे आपने टेबल लगा के बैठे। बैंक प्रशासन और नगर निगम द्वारा चुपके आज सुबह एक कार्रवाई कर हमारी सारी टेबलें और सारे बेंचेज और सारे जो कंप्यूटर लैपटॉप सब लगे सब अवैध अनैतिक रूप से यहाँ से उठा के ले गए हैं। उसके अंदर वकीलों के डॉक्यूमेंट्स थे, लैपटॉप थे, कंप्यूटर्स थे, ओरिजिनल फाइलें चेक थी। बिना किसी एसोसिएशन को एंटीमेशन, जुडिशरी को एंटीमेशन इस तरह की नगर निगम और बैंक प्रशासन ने कार्रवाई की है, इसका हम सब विरोध करते हैं। जब तक बैंक प्रशासन और नगर निगम हमारी ये पट्टियां वापस और टेबलें नहीं बनाएगी तब तक हम यही धरने पे बैठेंगे और ये चैलेंज देते हैं कि बैंक को हम खुलने नहीं देंगे। जब तक हमारी ये कार्रवाई पूरी नहीं कर दे हम बैंक को खुलने नहीं देंगे और इनके खिलाफ हम अभी FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं। सारे वकीलों की तरफ से जो भी हमारे यहाँ के डॉक्यूमेंट दस्तावेज चोरी हुए उनके नगर निगम और बैंक के AGM गोपाल माली के खिलाफ हम FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं। ना तू सिख तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोधपुर कमाला नगर अस्पताल में राइट टू हेल्थ बिल पर संशोधन नहीं करने पर आज अस्पताल बंद रहा। जोधपुर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद की बैठक होटल घूमर में दी गई। जमीयत कौम नागौरी मोदियान समिति जोधपुर की ओर से 2 दिवसीय मतदाता शिविर आज कौम नागौरी मोदियान न्याति नोहरा नई सड़क खानिया रोड स्थित संपन्न हुआ। यातायात जागरूकता के तहत आज जोधपुर में नई सड़क पर लोगों को यातायात के नियमों की पालना के लिए जागरूक किया गया। केवल पुलिस और प्रशासन दोनों कुछ नहीं कर सकते, जब तक आम आदमी का इसमें सहयोग नहीं होगा, जन सहभागिता नहीं होगी, तब तक ये सारी बातें इम्पॉसिबल है। अतः आप और हम सब मिलके आज एक संकल्प लेते हैं कि सूर्य नगरी की यातायात व्यवस्था को 4 चांद लगाएंगे। सबसे विशेष बात यही है कि आपको विदित है कि अपने देश में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख बेजान जिंदगियां सड़क दुर्घटनाओं में मौत की शिकार काल का ग्रास बनती है। यानी एक दिन का अगर एवरेज देखें तो लगभग 410 के करीब लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं, काल के बलि भेंट चढ़ते हैं। 1 घंटे के अंदर 17 लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। अपनों के लिए सूर्य नगरी प्रदेश और देश को दुर्घटना मुक्त यानी सड़क दुर्घटनाएं उन्मूलन। जोधपुर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग तोड़ने पर होगा आंदोलन। विभिन्न माध्यमों के द्वारा मैं पता चला कि जोधपुर का जो पुराना रेलवे स्टेशन है इस हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़ के नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं, हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पुरानी जो हेरिटेज बिल्डिंग है इसको एज इट इज रखा जाए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। इस बिल्डिंग को एज इट इज रखते हुए इसके पीछे की साइड में या साइडों में जो जगह पड़ी है वहाँ नई बिल्डिंग बनाई जाए और सुविधाएं विकसित की जाए। ये जो हेरिटेज बिल्डिंग है अपने आप में विश्व में एक अपना अलग स्थान महत्व रखती है, इसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो इस हेरिटेज बिल्डिंग से अगर छेड़छाड़ की गई तो श्री राजपूत करणी सेना आगामी दिनों में जोधपुर बंद करेगी और उग्र आंदोलन करेगी और विभिन्न संगठनों को साथ में लेके और सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों और जोधपुर की जनता को साथ लेके उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रेल प्रशासन और सरकार की होगी, केंद्र सरकार की। मान सिंह मेड़तिया, प्रदेश सचिव व संभाग प्रभारी श्री राजपूत करणी सेना जोधपुर। जयपुर में अवैध शराब की 4 फैक्ट्रियों पर रेड मारकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो केमिकल और मिथाइल एल्कोहल स्पिरिट से जहरीली शराब बना रहे थे। ब्रांडेड शराब के नाम पर सरकारी ठेरों पर बेची जा रही थी। रेड के दौरान फैक्ट्री के मालिक मौके से फरार हो गए। पेपर लीक पर भजन मीम्स के जरिए भी कटाक्ष, मुन्ना भाई से लेकर पुष्पा तक सब परेशान।
रीत माता की जय हो, बोलिए वनपाल महाराज की जय हो, बोलिए उप निरीक्षक नाथ की जय हो। सामने तो सम्मुख से किंड गिरे, अरे पांच पेपर लीक भए ऐसा ही रीत फोरे। जिस भर्ती में पेपर लीक ना हो वो एग्जाम कराना ना चाहिए। जिस गैंग से पेपर मोल लिया, किस गैंग से पेपर मोल लिया, कभी नाम बताना ना चाहिए। लम्मी चंडी डेट मिले पर दाम दिलाना ना चाहिए। गंगानगर के लुंकनसर इलाके में बॉर्डर के पास तस्करी के तीन संदिग्ध पकड़े। देर रात हुई कार्रवाई, इसी इलाके में ड्रोन से गिराई गई थी हेरोइन। आगे आने वाले ऐसे ही समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।